टू सुपर मार्केट सिमुलेटर। और जैसे तुम सबको याद होगा यार, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने सुपर मार्केट को एक तगड़ी लेवल पे अपग्रेड किया था। एक एम्प्लॉय रखा था जो कि मेरे सारे सामान को रीस्टॉक करे, और एक नया स्टोरेज रूम खरीदा था, साथ ही साथ कई सारे नए प्रोडक्ट खरीदे थे। लेकिन ये सब लोन पे है, और वो भी छोटा मोटा लोन नहीं, दो लोन। हाँ, एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है, लेकिन आज के दिन मुझे ये दोनों लोन चुकाने पड़ेंगे, वरना मैं बहुत घाटे में जा सकता हूँ। तो लेट्स गो गाइस, मैं आ गया अपने सुपरमार्केट में। और भाई क्या चल रहा है? भाई साहब ये सही चल रहा है, जो भी चल रहा है। मेरी शॉप पे अच्छा खासा आइटम पड़ा हुआ है अभी स्टोरेज में, तो मुझे लगता नहीं है हैंड टू हैंड आती खर्चा करने की जरूरत है। बाकी भाई ये दूध की बाटली इधर रख रखी है तू, इसको इधर रख दे। चलो लेट्स गो, मैंने इधर रखवा दी दूध की बाटली। यार रस्ते में मत छोड़ा कर, समझ में नहीं आ रही, बिल्ली पी जाएगी। चलो भाई, बाकी मेरा स्टोर ओपन है। और अभी है कूड़ा, इसके अंदर आइटम तुमने देखा, तुमने अभी देखा, मुझे पता है तुमने अभी देखा। इसके जादू टोने से इसके हाथ में वो बॉक्स आया है। साले जादू टोना कर रहा भाई आदमी मेरे यहाँ पे। और ये क्यों नहीं जा? अरे भाई ये आदमी है पजामा, पता नहीं भाई क्या कर रहा है। भाई भाग गया है, इसके दो चार चाटे मारने पड़ेंगे या फिर सैलरी वैलरी नहीं दी। और ये टाइले कैसे निकली पड़ेंगे? टाइले कौन मेरी शॉप के आगे टाइले कौन निकाल के गया है? गाइस कुछ नए अपडेट्स में कुछ नया नया तो हुआ है, टाइले उखाड़ दी सालों ने मेरे घर के सामने की। बाकी मैं अम्मा बहन पे आ जाऊँ। इधर रखो इस बाटली को, यहाँ अच्छी लग रही है बाटली। भाई चलो अभी क्या चल रहा है मुझे बताओ, क्या चाहिए तेरे को? साले क्या चाहिए? कुछ एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं भाई। सीरियल चाहिए थे इसको कुछ में, लेकिन दो वर्ड का था सीरियल, तो एक ही वर्ड का है। इसको चाहिए क्या था मुझे तो यही समझ में नहीं आई। चलो छोड़ो, मेरे को क्या है, बाकी क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, अभी जो है मेरे को शॉप पे सामान मंगाना पड़ेगा। शॉप पे सामान खत्म हो गया है बहुत सारा, बाकी चॉकलेट बार अरे क्या यहाँ पे रखे तो है, ये तो सामान बिक जान दो, कहाँ से लेके आऊँ तुम लोगों के लिए? रुक जाओ मुझे देखने दो, ये रीस्टॉक ढंग से नहीं कर रहा कि क्या? यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, ठीक है, ये है, चॉकलेट वॉकलेट नहीं है क्या यहाँ पे? यार चॉकलेट वगैरह है ही नहीं, इसलिए मांग रहा है। बाकी गाइस अभी तुम्हें दिखाता हूँ मेरा लोन कितना चल रहा है, और रोज की रोज चुक जाता है, ऐसी बात नहीं है, अपने आप भी जाता है थोड़ा बहुत लोन। देखो ये रही बैंक, और इसके अंदर ये है एक लोन और एक है ये लोन, इसको तो मैं पे ऑफ कर सकता हूँ अभी की अभी, बट ये है सबसे बड़ी माताफोड़ी। तो अभी के लिए लोन पे नहीं करते, सारा आइटम मंगाते हैं जो जो अपनी शॉप पे नहीं है, ठीक है। ये देखो अच्छा ये वाली सीरियल्स मंगाने को कह रहा है आदमी, इसको परचेज कर देते हैं हैंड टू हैंड, क्योंकि दो जने कंप्लेन कर चुके हैं। बाकी गाइस मेरे को एक और चीज नहीं पता पड़ती, ये यार यहाँ पे जो चीजें रखी है ना, मैं कैसे मैनेज करूँ? देखो ये चीजें बहुत आई हुई है मेरे पास, बहुत आई हुई है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जो जो मुझे दिख रहा है शॉप पे वो नहीं मंगा रहा मैं। जैसे ये नहीं दिख रहा, इसको कार्ट में ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, और ऑयल शायद पड़ा है, ऑयल बहुत पड़ा है। पास्ता ऐड करते हैं, पास्ता भी पड़ा है भाई, लेकिन ठीक है कम है। शुगर पाउडर खूब पड़ा है, बोटल वाटर एंड चीज दो, ठीक है दोनों चीज है। डार्क कॉफी और एग्स नहीं होंगे मेरे जहाँ तक, एग्स बिल्कुल नहीं है, और डार्क कॉफी भी नहीं है। चलो डार्क कॉफी, एग्स, मिल्क है, टी ब्लैक भी है, ऑरेंज जूस भी है, सोडा भी है, सोडा ये दूसरा सोडा भी है, एप्पल जूस भी है, मिल्क नहीं है, ये वाला सोडा भी है, पीनट बटर नहीं है, ठीक है पीनट बटर नहीं है मेरे जहाँ तक, हाँ नहीं है। चलो बाकी एक सेकंड को लाइट जला दो, अभी फ्लोर ये वाला नहीं है, ऑलिव ऑयल ये वाला पड़ा है, फ्लोर भी पड़ा है लेकिन एक लेयर ये ऑलिव ऑयल मेरे पास पड़ा है। इसके बाद पास्ता, राइस, सॉल्ट, अरे अभी मंगा ही नहीं सकता मैं, बताओ कोई बात है, इसको तो परचेज करो। पास्ता, राइस, सॉल्ट, केक, ये वाले केक कौन से रखे मेरे को ये देख के अंदर, ये कुकीज रखे हुए हैं, क्रिस्पी चबी ये रखा हुआ है, रुक जाओ देखने तो इसके अंदर, ये नहीं रखा हुआ, ये रखा हुआ, ये नहीं रखा हुआ, ये दोनों। चलो लेट्स गो, योगर्ट भी रखा हुआ है, योगर्ट भी रखा हुआ है, योगर्ट उठाओ, एंड ये परचेज अब कल ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज का दिन यहाँ अपन खत्म कर सकते हैं, बट हाँ रुक जाओ इनकी भीड़ उठाओ मैं, आओ रे आओ, अरे आ जाओ इधर, साले तुम ऐसे कराओ मत आओ मेरा क्या। बाकी ये जो सामान आ गए, ये बंदा जमाना स्टार्ट कर चुका है सामान को, पर इसी को जमाने देते हैं क्योंकि यार ये प्रोडक्ट्स जो दो दो में लगे हुए ना, ये मेरी गलती की वजह से लगे हुए, ये धीरे धीरे मैं मंगाना छोड़ दूंगा तो एक जगह से खाली हो जाएंगे, वैसे ही वो बंदा एक जगह जमाना भी बंद कर देगा। बाकी देख रहे हो तुम नया प्रोडक्ट आ गया है भाई, तुम भी लोग आ सकते हो यहाँ खरीदी करने। ये देखो भाई नया सामान आ रहा है एक एक करके, चलो बढ़िया है बढ़िया है। बाकी भाई तू इन लोगों को जल्दी फ्री कर दे जिससे कि आज का दिन खत्म करें, और इतना सामान मंगाने के बाद भी आज के दिन मेरे पास 940 रुपए आज के दिन लोन चुका के रहेंगे, मतलब इस बार लोन चुका के रहेंगे, आज का दिन तो खत्म हो गया। पीनट बटर भी आ गया है हमारे यहाँ, जिम वाले लोग आ जाइए, आप लोग आ सकते हैं। बाकी आज एक और अपडेट दिखाता हूँ मैं गेम का, देखो एक और अपडेट यहाँ से आया था, एक अपडेट शो क्यों नहीं कर रहा, मैंने गेम ओपन करी थी तब तो दिखा रहा था, यहाँ से एक तो कोई तो लाइट चमक मार रही है, कहाँ गई वो लाइट, धोखाधड़ी हो गई गाइस मेरे साथ, पता नहीं यहाँ से लाइट दिख रही थी। छोड़ो अभी के
लिए भाई की साइकिल मैं चला के आ जाऊं क्या भाई? टाइम पास करना है, टाइम पास कैसे करूं भाई, साइकिल भी नहीं चला सकता बताओ कोई। ओके चलो ठीक है, एंटर दबाते हैं और आज का दिन खत्म करते हैं। और आज का मुनाफा देख रहे हो भाई, जिसमें मैंने जो माइनस हुआ वो कहां है? ये है क्या सप्लाई कॉस्ट? ठीक है शायद यही थी सप्लाई कॉस्ट। बाकी फ्लोर की प्राइस घट गई है, जूस की प्राइस घट गई है और पीनट बटर की प्राइस बढ़ी है। तो पीनट बटर की प्राइस मैं लगा देता हूं बढ़ा के 5.50 कर देते हैं। बाकी जिसकी घटी है वो मुझे देखना पड़ेगा। और इसको परचेज करो सबसे पहले, ठीक है? अभी किस किस की प्राइस घटी वो मुझे देखने दो। सबसे पहले तो फ्लोर की प्राइस घट गई है यार, रुक जाओ, इसकी प्राइस लगाने दो मेरे को 5.55, ठीक है? एंड इसके बाद मेरे को लगाने दो प्राइस सोडा की एंड एप्पल जूस। चलो ये सोडा की प्राइस घट गई है, नहीं ये सोडा की प्राइस तो सही है, ये सोडा की प्राइस घट गई है 2.20 हो गई है एंड एप्पल जूस की भी घटी है 2.65 हो गई। अभी और किस चीज की प्राइस घटाई भाई इन लोगों ने? ठीक है मैंने सबकी लगा दी है प्राइस जिस जिसकी घट गई थी। बाकी आज के दिन ऑफिस नहीं खोला, अरे ऑफिस कह रहा हूं मैं, आज के दिन मैंने शॉप नहीं खोली। चलो भाई अभी मेरा ऑफिस वगैरह सब खुला हुआ है, अभी मुझे ये देखना है कि मेरा लोन कितना बच रहा है या फिर कुछ सामान मंगा दिया जाए, क्या कहते हो? ये जितनी भी चीजें हैं इसके डबल डबल, ये क्या ला के रख दिया नया? ओ नया आइटम, मुझे ही नहीं पता भाई मेरी शॉप पे क्या आ रही है क्या? ओ नूडल्स, गाइस नूडल्स। ठीक है अभी एक और जगह खाली है और सामान भी खत्म। ओ भाई तू अंदर से स्टोर नहीं कर रहा, अंदर से क्या ले रहा है? ये जमाना भाई क्या है ये, बर्बन क्या है? अरे पड़ा था भाई, क्या इसका नाम बैन पापा लिखा है भाई इसके ऊपर, सही बता रहा हूँ। देखो ये देखो बॉन पापा, पापा है भाई, देखो बॉन पापा लिखा है मेरे को नहीं। बाकी ये बॉक्स मैंने एक्स्ट्रा मंगा दिया है, इसको मैं यहाँ रखवा देता हूँ, ठीक है? और ये क्या है? सॉल्ट। अबे साले सॉल्ट भी जमा पड़ा है, बताओ मेरे को पता ही नहीं था, बता दिया करना भाई, इसलिए मैं तेरे को कहता हूँ मुझे नहीं पता रहती क्या क्या आइटम आ गए मेरी शॉप। ये क्या है? अच्छा नूडल्स भी पड़े हैं भाई, दो बार मंगा दिए लेकिन कोई बात नहीं, कस्टमर इज वेटिंग। क्यों भाई इस पे वेट कर रहा है साले? अरे इस पे नहीं वेट करना है, मना कर दिया ना, ये बंद है, चलो भाग जाओ यहाँ। चलो तुम्हारी ऐसे, चलो अभी क्या बच रहा था? हाँ यहाँ पे था, इसमें क्या है? एग। अरे अले एग जमा दे, एग जमा दे, लोग बाग कंप्लेन कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। चलो भाई एग मैंने जमा दिए। अभी के टाइम पे मेरे को रेफ्रिजरेटर का आइटम मंगाना चाहिए थोड़ा बहुत, रुक जाओ देखने तो। फ्रिज का आइटम जो है ना, क्या क्या है देखो, ये फ्रिज का आइटम ये है मेरे पास, इसके बाद ये फ्रिज का आइटम है, ये भी 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 है, भाई सभी है मेरे पास फ्रिज का आइटम, बस एग नहीं थे जो एग मंगा दिए मैंने, बाकी तो कुछ भी फ्रिज का आइटम नहीं लग रहा है। अभी मैं सब कुछ स्टॉक में एक्स्ट्रा रखने वाला हूँ, तो एक एक आइटम में सबका मंगाने वाला हूँ, जैसे कि सीरियल्स हो गया, मतलब लगातार मंगाने वाला हूँ जितना भी है। और 20 आइटम शायद मैं एक बार में मंगा सकता हूँ, लेट्स गो। ओके मिल्क तक मैंने मंगा लिया, एग से मुझे मंगाना है, लेट्स गो, ये परचेज करते हैं, एग से मंगा रहा हूं मैं। ऑलिव ऑयल तक वापस मैंने मंगा लिया, इसको परचेज करते हैं। और भाई ये मैं इसलिए परचेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अब लोन चुकाना है इसके बाद, तो इसके बाद मैं कुछ नहीं खरीदने वाला हूं। एंड लेट्स गो भाई, मैंने टोटल 29 आइटम मंगाए और देख रहे हो 14। अबे अभी भी लोग भाई सब मंगा दिया, अभी भी कैसे कंप्लेन कर सकते हैं लोग, सब डबल मंगा दिया है मैंने यार, हद हो गई भाई। कस्टमरों की जी में जंजाल हो रखी है, क्या दिक्कत है? रुक जाओ, लो लो तुमको अगर ये दिक्कत है तो इधर मैं आ गया हूँ, बोलो कौन है? ए, आना साल, इधर इधर देख, नीचे देख, बताओ मैं क्या करूं, इधर मैं करूं क्या बताओ भाई साहब? ओ अफेरिकन भाई साहब, ओह मेरे पास काम आ गया है, मैं थोड़ी बहुत जो है पैसा वैसा काट देता, पैसा कहां है यार? धीरे मैडम कार, पैसा नहीं दे। ओके इन मैम से काटते 16.07 रुपीज एंड लेट्स गो, कट चुके। ओके अपना योगर्ट वगैरह सब बिक रहा है, ओहो बड़े बड़े लोग आते हैं आजकल देते हैं, ऐसे मजा सा आता था। 85, चलो भाई इनकी भी बिलिंग मैंने कर दी है। ओ भाई होलसेल में बिक रहा है तो आइटम, मजे यार। चलो लेट्स गो, देख रहे हो ऐसे फ्री कर देता हूँ कस्टमरों को। तू साले पता नहीं क्या कर, देखना एक एक करके भेजेगा, इतनी धीरे 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 स्पीड बढ़ा ले, अपनी स्पीड बढ़ा ले, पापा से सीख। तू क्या कर रहा है? उसको तो मैं फिर भी डांट रुटा देता हूँ। काम कर सर, जल्दी जल्दी काम कर, क्या लेके जा रहा मेरे को दिखा पहले, क्या दिखा, क्या जमा रहा, क्या जमा रहा है? ओए क्या जमा रहा? अरे अच्छा ओ दूध की बाटली, ये सही जमा, ये बात भाई का है भी है, बाकी पैसों में कोई कमी थोड़ी है। हाँ पैसों में अरे कमी है भाई, 10.55 का बेचो, पूरे पूरे पैसों में निकालो, ऐसे अब कोई कमी नहीं भाई, बहुत लोन हो रखा है मेरे माथे पे। रुक जाओ, कल तो बैंक का लोन देखने दो, अर्ली पे ऑफ भी नहीं कर सकता। इसको कितना पे करना है इस टाइम मेरे को? 615 रुपीज, और इसको करना है 1760 रुपीज भाई, इसका बहुत ज्यादा है मेरे को, ये इतना पैसा कमाना है आज के दिन, मतलब एक तरीके से मैं यही वाला पे ऑफ करूंगा लोन तो, लेकिन इतना पैसा मुझे कमाना है, कम से कम भी नहीं तो 1000 या 1500 रुपए आज मेरे को निकलवाने हैं मार्केट से। चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, या फिर ये हटा देता हूँ, अपने आप यहाँ पे कस्टमर्स वगैरह आ जाएंगे। अभी मैं देखता हूँ कुछ मैनेजमेंट में नई चीजें आई है कि नहीं, बाकी ये चीजें परचेज के लिए ओपन हो गई है, नहीं लेवल रिक्वायर्ड है यहाँ तक। अभी मैं 3-5 प्रोडक्ट लाइसेंस खरीद सकता हूँ, नहीं लेकिन ठीक है भाई खरीदेंगे, अभी तो इतना पैसा ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स रख सकूं। और बिल्स के नाम पे इतना सारा बिल आ रखा है, ग्रो। ओके चलो ग्रोथ में अपने क्या है, सेक्शन 3 खोल सकते हैं और रिक्वायर्ड सेक्शन 3, फोर्थ भी खोल सकते हैं, अपनी लेवल 17 है भाई, फिफ्थ सेक्शन भी खोल सकते हैं अपन, ठीक है ये तीनों सेक्शन खोलेंगे भाई, लेकिन 750 रुपए चाहिए, बाकी रात हो गई इसको खोलो। और एक कस्टमर आया इसको फ्री करते हैं, हेलो मैम आपका बिल
मोबाइल हुआ है 29। लेट्स गो, इसको बंद करो भाई क्योंकि अभी इतने ज्यादा कस्टमर है नहीं, लेकिन ठीक है मैं खोल देता हूँ इसको। यहाँ पे आ ही जाएगा कस्टमर क्योंकि अभी रात होने वाली है और आज के दिन का भाई क्या है। नहीं बंद करो इसको, अभी अभी जो है दिन पूरा नहीं हुआ है, मेरे को चाहिए भाई पैसे 1000 रुपए। तो प्लीज भाई 600 रुपए कमा के रह गया, मैंने बोलता 1500 कमाने मेरे। क्या भाई तेरा बिल 8.40 रुपीज। चल भाई लेट्स गो, इसको बंद करो। अरे बंद हो जा, अभी मेरे को देखना है तो हायरिंग में मैं किसको हायर कर सकता हूँ। दो जने मैंने हायर कर रखे हैं, और जब ये बंदा 400 चेकआउट पूरे कर देगा ना तो सेकंड कैशियर हायर कर सकता हूँ मैं, बाकी एक रीस्टॉकर और हायर कर सकता हूँ। बट क्यों करना है भाई, एक ही बहुत है, मेरे से नहीं झेलेंगे इतने पैसे देने। ठीक है, रोज की रोज सुबह सुबह बिल आ जाते हैं इस कोने में, देखना भाई तुम लोग अभी देखना, कल सुबह देखना। ठीक है, बाकी आज का दिन खत्म हो गया ये चीजें। अबे इससे भाई तेरे से सामान नहीं जम रहे, क्या दिक्कत क्या हो गई है, इतने सारी पड़े। अरे भाई मेरे को रीस्टॉकर भी रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो आज सबसे पहले ना इन सामानों को अंदर डलवाते हैं, क्योंकि रात में पता पड़े कोई बिल्ली बिल्ली ले गई तो दिक्कत, बिल्ली तो लेके क्या ही करेगी, चोर ले जाएंगे और कुछ। एक एक करके सारा सामान अंदर रखवाते हैं और फिर आज का दिन खत्म करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स भी जाने वाले होंगे थोड़ी देर में। अरे चलो भाई, अभी मैंने अपना सारा आइटम अंदर रखवा दिया है, बस ये लास्ट डब्बा बचा है, इसको रखवाते हैं और देखते हैं। अपने यहाँ पे कुछ सेल्स की कमी तो नहीं है ना, देखो ये एक सेल एक्स्ट्रा है, यहाँ पे दो तीन सेल एक्स्ट्रा है, बाकी फ्रिज के अंदर भी अच्छी खासी सेल एक्स्ट्रा है, और ये जो पुराने आइटम ही जमा रहा है, मतलब कुछ नया आइटम नहीं है अपने पास जो अपने को यहाँ रखवाना है, वरना मैंने सारा आइटम मंगवा रखा है भाई। 29 आइटम होने चाहिए मेरे लिस्ट में, रुक जाओ देखने दो। मार्केट में चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं टोटल, गिन सकते हैं क्या भाई, कहीं से ऑप्शन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, चलो ठीक है छोड़ो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 × 3 30 भाई 30 आइटम है, मैंने 29 आइटम कैसे मंगाए भाई। कोई एक तो ऐसा आइटम है जो नहीं है यहाँ, कोई एक तो आइटम ऐसा है जो मैंने नहीं मंगाया है, लेकिन वो मुझे पता क्यों नहीं है, क्या पता भाई, शायद मैंने गलती से 29 गिने हो, पता नहीं भाई। चलो आज का दिन खत्म करते हैं, कल के दिन देखते हैं भाई कितना मुनाफा होता है। आज का देख रहे हो तो मुनाफा देख रहे हो, 830 खर्च करने के बाद भाई मैंने बोला था ना 1000 रुपए में कमा के जाऊंगा, 1000 रुपए कमाए हैं, वो 830 तो खर्च कर दिए मैंने। टोटल प्रॉफिट अच्छा यहाँ आता है क्या, नेट बैलेंस है ये तो मैं, अरे भाई जब से मैं नेट बैलेंस देख रहा था। ठीक है चलो, टोटल प्रॉफिट भाई ये देखो, कोने में देखो अच्छा भाई कितना पैसा कटा है। बाकी आज के दिन किस किस का पैसा बढ़ा घटा वो मैंने नहीं देखा, तो ओके मिल्क का पैसा बढ़ गया है, मिल्क का पैसा बढ़ाओ भाई फटाफट जाके। लेट्स गो, 11.45 रुपीज आने वाले अब इससे अपने को, एंड इसके बाद कुछ जगह प्राइस घटी है, जैसे कि चीज हो गया, एंड ओके लेट्स गो, सिर्फ एक चीज की प्राइस और घटी है, और चीज मंगाना पड़ेगा मेरे को, चीज खत्म हो गया और ज्यादा नहीं घटी, 3.15 रुपीज देके जाएंगे चीज वाले। लेट्स गो, अपनी शॉप करते हैं अब अपन ओपन। चल भाई चल छोटू, काम कर जल्दी जल्दी, चीज वीज हो तो मैं लेके जाऊँ, बता चीज रखी है क्या, चीज खत्म कर दी भाई तूने, चीज तो खूब रखी थी यार, चीज खत्म कर दी, तू भी गजब आदमी, आइटम मंगाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलो गाइस आज के दिन सबसे पहले तो मैं ना एक लोन पे ऑफ कर दूं क्या, क्या कहते हो, या फिर कुछ खरीदा जाए। एक सेकंड, बैंक में चलते हैं, ये वाला लोन पे ऑफ कर सकता हूं, अब तो ये 585 का ही रह गया है, बाकी कुछ पेमेंट्स हैं वो भाई नहीं कर सकता, छोड़ो। मैनेजमेंट में चलते हैं, लाइसेंस में चलते हैं, 750 रुपीज होने देते हैं आज के दिन, फिर मैं एक नया प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदने वाला हूं। कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जाजा वेलवेट, पता नहीं भाई, रुक जाओ आ जान दो फिर देखी जाएगी। पहले बिलिंग कर ले भाई, तू बिलिंग कर ले, रुक जाओ इसको भी मैं खोल देता हूं, एक बिलिंग मैं कर दूंगा, फटाफट से आ जा भाई। अरे बस खर्चा यार, कितना खरीदेगा भाई, जल्दी जल्दी पैसे दे देना, थोड़े से रुपए चाहिए मेरे को, ला 20 रुपए दे दे बस। अरे साले तेरे को 30 रुपए तो चेंज दे दूं मैं, ये ले प्रॉपर 39.39.30 है। चलो अच्छा भाई तू भी बता, ओहो दो दो मैन फोर। चलो भाई लेट्स गो, खत्म करो, मेरे पास 830 रुपए हो गए, देख रहे दो तीन सामान बेचता हूं, ऐसे सामान ला देता। चलो भाई ये वाला खरीदा जाए कि ये वाला खरीदा जाए, चीज वगैरह है इसके अंदर नहीं, मैं ये खरीद रहा हूं, एंड लेट्स गो, बहुत सारा आइटम आ गया, मुझे देखने दो, मेरे स्टोर पे जाके देखने दो कहां से आए। ओके ये आए, नीचे की दो लाइन मेरे पास नहीं आई है, क्लीनर है डिश, ओके सही है भाई, अब लग रहा है ना शोरूम का आइटम, जब से खाने पीने के आइटम बेच रहा था मैं। लेकिन इसके लिए सेल्फ चाहिए पड़ेंगी, और यह है 6 आइटम, ठीक है 6 के 6 सेल्फ के हैं, तो क्यों ना एक नई सेल्फ खरीदी जाए। रुक जा भाई, इसको उठा और इसको लगाते हैं थोड़ा सा इधर, एंड इधर शायद एक नई सेल्फ आ जाएगी, देखते हैं। एक सेल्फ भी खरीदनी पड़ेगी मेरे को, फर्नीचर में चलते हैं, सेल्फ करते हैं एड, एक सिंगल सेल्फ भी है छोटी वाली, क्या कहते हो सिंगल सेल्फ मंगाई जाए, बट यार रहने दो, बड़ी सेल्फ मंगाते हैं एक बार में, अच्छा काम देगी। लेट्स गो, एक सेल्फ आ चुकी है, इसको अपन कहां रखवाएं, ओके यहां आ जाए प्लीज, शेट गाइस यहां नहीं आ सकती, क्या ऐसे आ जाएगी यार, ऐसे आ तो जाएगी बट कस्टमर्स को थोड़ी दिक्कत होगी है, लेकिन ठीक है यार कस्टमर्स यूं आ जाएंगे ना यहाँ पे, कस्टमरों में वैसे भी इतनी ज्यादा बुद्धि है नहीं। देखो आ गया भाई, आ गया, उधर लग गया वो आदमी, ठीक है लाइन में लग रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ ही टाइम बाद मैं एक अपना नया पोर्शन भी खरीद दूंगा, और मैंने आधे में पेंट कैसे कर रखा है सफेद सा, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, पहले ना मुझे कुछ नए आइटम मंगाने, उनको कार्ट में ऐड कर लेते हैं और प्राइस देखते हैं टोटल कितनी है उनकी। प्रोडक्ट्स में चलते हैं, और ब्लीच है, क्लीनर है, डिश वॉशर टेबल है, हैंड सोप है, शैम्पू है, टॉयलेट पेपर है। लेट्स गो, इसका टोटल बिल है 294 का, हो जाने दो थोड़ी देर में इतने रुपए हो जाएंगे, इसको भी खोल देता हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे भी कुछ कस्टमर्स आ जाएंगे। लेट्स गो, हेलो मैम आपका टोटल बिल हुआ है 22.03, 220 रुपए आ गए भाई। चलो बस अभी आते हैं थोड़ी सी देर में मेरे पास सारे रुपए आ जाएंगे, कितना 290 चाहिए ना। हाँ चल जल्दी जल्दी बिलिंग कर दे भाई, तेरे हाथ क्यों नहीं चलते हैं, जल्दी जल्दी कुछ नया
नया आइटम मंगाना मेरे को शॉप में देख रहा है और यहाँ पे क्यों रख रखे पास्ता, अरे दो दो जगह पास्ता रख देता है, एक तो ये आदमी मेरे समझ नहीं आता। हेलो सर, आपके हुए टोटल 35.19, ऐसी लेके जाओ भाई, ऐसी लेके जाओ सामान। हेलो मैम, हेलो, आपका टोटल बिल हुआ है 16 रुपए का, जिसमें 3 रुपए मांग रही है मैडम। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एंड लेट्स गो, बिलिंग हो गई है। अरे आप कहां से आ गई मैडम, बस मेरा पैसा हो गया है, अब मेरे को नहीं करनी है बिलिंग, बड़ा आदमी हूं, कभी कभी आता हूं ऐसे। चलो इसको करते हैं अपन सेंटर को बंद एंड अभी चलते हैं अपन कुछ नए प्रोडक्ट्स खरीदने, लेट्स गो। चलो भाई इसको मैं जमवाने वाला हूं, क्योंकि ना ये कुछ नए प्रोडक्ट है, इनकी प्राइस भी मुझे ही सेट करनी है। अबे ये तो जगह खूब घेर रहे हैं, एक सेकंड प्राइस सेट करो पहले तो इसकी, 15.41 साला, लेकिन ये प्रॉफिट देख रहे हो, 5 रुपए का प्रॉफिट है ये इस पे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी खूब मिल रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रखवाओ एक बार यहाँ, इस पे प्राइस सेट करते अपन 6.05 की, लेट्स गो। अगला आइटम लेके आओ, इसको रखते हैं अपन यहाँ पे। एंड भाई ये देख रहे हो शैम्पू वैम्पू आ गए मेरी शॉप पे, इसका प्राइस है 2.10, इसको 2.10 में बेचते हैं, लेट्स गो। अगला आइटम है मेरे पास डिश वॉशर है शायद, ओबे ये भी खूब जगह गिर रहे हैं, बाकी ओ कचरा याद में ले जा रहा है, सही है। इसकी प्राइस अपन रखते हैं 20.54 एंड डन भाई, 7 रुपए का प्रॉफिट इसमें। अगला सामान मेरे पास है डिश क्लीनर है शायद, ये नहीं वो कोलिन, कोलिन होता है भाई हमारे यहाँ तो कोलिन आता है, ये ले तू इसको रख दे, और मैं इसकी प्राइस सेट कर देता हूँ 3.05, लेट्स गो भाई। ओए इन्हें एक लाइन खाली कर दी उसकी, और पता नहीं कितने में लेके जा रहे हैं लोग, भाई अगर पूरे पूरे पैसे में लेके गए ना भाई गुद्दी लाल कर दूंगा मैं, गुद्दी लाल, रुक जा मेरे को ना, एक तो सबसे पहले तो इसको यहाँ रख, लाइट जला, मेरे को उसकी बिलिंग देखनी है इसको आने वाली, रुक जा भाई रुक। अबे कोलिन तो इन्हें खत्म कर दिया, सबके कांच आज ही गंदे हो रखे थे क्या, चक्कर क्या है, इसको रख यहाँ पे भाई अभी खरीद लेंगे। इसकी प्राइस सेट कर 4.73, लेट्स गो, डन ओके कर, रुक जा भाई मुझे बिलिंग देखनी है, एक सेकंड रुक जा, क्या कर रहा कोलिन, बेचेगा तूने इसको क्लीनर भाई, एक सेकंड क्लीनर कितने रुपए का बेच रहा हूँ मैं, 3, ओ सही है भाई, सही है सही है सही, वो आदमी लेके गया, देखो देखो चार चार क्लीनर कितने रुपए के भाई, क्लीनर 1 रुपए का लेके जा रहे हैं, तुम जूम करके देखो, ये देखो 1.6 मैंने मंगाए क्लीनर, और जितने के मंगाए साले उतने के लेके चले गए, बताओ कोई बात है, कोई कोई बात है ये भैया। बाकी गाइस चलो ठीक है, उस भाई ऐसे टूटे पड़े भाई, उसको रखते ही टूट टूट गए भाई उसके ऊपर, कि भैया मैं भी, भैया मैं भी, ठीक है भाई ये बिक रहा है इसमें पैसा आएगा। चलते हैं यहाँ पे अपन अपनी इसको ओपन कर देते हैं, इसके अंदर कुछ लोग आ जाएंगे तो आ जाएंगे। ओके एक सर आए, तुम सालो बावड़े हो क्या, जब यहाँ बैठा हूँ ना मैं, आपको सर 4 रुपए चाहिए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, लेट्स गो 44.45 दिए, एक पैसा एक्स्ट्रा दिया, साढ़े एहसान बन रही हो मेरा, बता रहा हूँ मैं तेरे को मैडम, आप बताइए आप, ओहो 32.75, लेट्स गो, अच्छा ठीक है ना भाई, 3 है ठीक है, क्या रहेगा तेरा है, अबे सारा आइटम मंगा तो रखा है, ऑयल फॉइल कैसे नहीं है भाई, कहाँ है तू, आराम के पिल्ले, आराम आराम से काम कर रहा है तो भाई बिल्कुल मजे मजे में, जल्दी जल्दी काम कर ले थोड़ा जल्दी, क्या क्या रखे गया पास्ता, आराम, अच्छा ठीक है ये रखे गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गाली नहीं देते, गाली चलता चलता है। चलो अभी आज का दिन खत्म होता है, इसको पता नहीं डार्क कॉफी, ओ डार्क कॉफी खत्म हो गई भाई, डार्क कॉफी ऐड करो, डार्क कॉफी, चलो कल के दिन वैसे भी मैं सारे आइटम मंगाने वाला हूँ, आज का दिन खत्म करते हैं ठीक है। आज के दिन अपना प्रॉफिट हुआ है भाई 146 माइनस में, बाकी आज जो की पुकी सीरियल्स और बॉटल वाटर की प्राइस बढ़ गई है, बॉटल वाटर तो लगा ही नहीं रखी तुम लोगों ने, अबे ओ ठीक है ये हटा सकता हूँ, अगर कहीं पे दो आइटम रखे हुए हैं तो उनको मैं हटा सकता हूँ, दूध, अच्छा दूध हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे एक आइटम रखा हुआ है, ये सही है भाई, ये मुझे नहीं पता था, अगर मैं इनकी टेम्पलेट हटा दूं ना फिर ये बंदा नहीं रख पाएगा यहाँ पे। चलो लेट्स गो, सही है, अभी मेरे को सामान मंगाने तो लेट्स गो, तो ठीक है लो सारा आइटम मंगाऊंगा, पहले तो सीरियल्स वीरियल्स की प्राइस कम करके आऊं, इसकी प्राइस कम हुई है, इसकी प्राइस हुई है 5.50 टन, और किस प्राइस घटी है इसकी, ओके बोतल की बढ़ी है प्राइस एंड ऑलिव ऑयल की घटी है प्राइस, ऑलिव ऑयल भी नहीं रखा हुआ मेरे यहाँ। चलो भाई सारे आइटम मंगाने वाला हूँ आज के दिन, और 350 रुपए रह गए भाई, कल पता है तुम्हें 550 रुपए थे करीबन, लो भाई कर लो बात, अभी मैं सारा आइटम ऐड कर रहा हूँ कार्ट में, और ठीक है 10 आइटम हो गए, परचेज करो, इसके बाद बच्चे आइटम ऐड करते हैं भाई, कोक सोडा जब सोडा बहुत है भाई, इन सोडाओं को हटाओ, सोडा और ये जूस वगैरह हटाते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं, ये भी हटाओ, सोडा पिला दिया मैंने, सोडा पिला दिया लोगों को। चलो अब ये जो है 1 2 3 4 लाइनें और मंगानी है लास्ट को परचेज, अच्छा परचेज ही नहीं कर सकता, केक परचेज करना है, अच्छा केक की प्राइस बढ़ गई, अरे ऑफिस भी नहीं खोला है मैंने, केक कहाँ है, केक कहाँ है, कौन सा वाला केक था भाई, देखने तो केक है, अच्छा ये वाला केक है, रुक जाओ ये केक है कि नहीं है, 4.20 तो है प्राइस, सही तो चल रही है, क्या दिक्कत है, अच्छा इस वाले केक की बढ़िया, अरे हाँ और पापा वाले केक की बढ़िया, 2.50 के हो गए। चलो भाई चलो, अरे कर कर जल्दी जल्दी काम कर, आराम, क्या कर रहा है, क्या लगा रहा, कोलिन आ गया है, कोलिन कहाँ से आया, ये मैं तो मंगाया नहीं कोलिन, क्या बात है गाइस, कोलिन दोबारा आ गया है, अपने आप ही कोई खरीद जा रहा है क्या, इतना सारा आइटम कहाँ से आया, अच्छा मैं नहीं तो मंगाया ही, अरे मैं भी भूल जाता हूँ, कर भाई कर जल्दी जल्दी, यहाँ पे मेरा बिल बढ़वा पैसा होगा जिससे मैं सामान खरीद सकूँ, 278 रुपीज चाहिए जो की थोड़ी देर में आ जाएंगे, बाकी मुझे कुछ पेमेंट्स या फिर लोन्स में देखना है भाई, 20 लेवल पे मैं एक और लोन ले सकता हूँ जो कि मुझे लेना है, ये अपने आप चुक रहा है भाई, शायद चुक जाएगा, एक तो मैं चुका के जाऊंगा आज के दिन ठीक है। बाकी ऑलिव ऑयल नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ऑलिव ऑयल मंगाया ना मैंने, ऑलिव ऑयल होगा
आई कहीं। ए ऑलिव ऑयल नहीं है भाई, तो ये रख क्या हो, ये रख ये जो है बहुत सारा। अच्छा ये रख दिया भाई ने पहले, भाई का सिस्टम हैवी है। छोड़ो इसकी प्राइस जो है मैं सेट कर देता हूँ, सही है। चलो प्राइस चल भाई चल 200 रुपए कर दे फटाफट, 200 रुपए चाहिए मेरे को। जय राजा जी पलंग। लो भाई जल्दी जल्दी बेचो। हेलो मैडम, अरे मैडम की बिलिंग मैं करूंगा, अरे हट जा मैडम की बिलिंग मैं करूंगा। एक सेकंड पैसे ऐसे ही लिया तूने। अरे इसके दांत दिख रहे हैं, एक सेकंड। ओ देख गाइस गाइस ग्राफिक्स गाइस एक सेकंड। अरे रुकना भाई, दांत दिखा आगे पीछे, देख 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 गाइस, देखो दांत, देखो देखो दांत गाइस। मैं इसके अंदर घुस चुका हूं, आत्मा बन गया हूं गाइस इसकी, मैं कर रहा हूं ये बिलिंग। तुम्हें क्या लग रहा है ये कर रहा है? नहीं ऐसे गाइस, मैं टाइम पास लेता हूं थोड़ा। और गाइस अभी थोड़ा शहर पे निकल के आते हैं भाई, बहुत दिनों से दुकान के अंदर हूं, एकदम घुटन सी होने लग गई है मेरे को। ताकि यहां पे स्पा सेंटर है, स्पा सेंटर है, वुड हाउस है गाइस, स्पा करा लो, मसाज करा लो। ताकि ये कर्व क्यों है, ये कर्व किस बात का है भाई? यहाँ पे किस बात की क्रॉसिंग है? यहाँ पे कौन क्रॉस कर रही है, कौन सी गाड़ी क्रॉस कर रही है यहाँ? गजब भाई गजब, गेम ग्राफिक ऑन द टॉप भाई। इसके ऊपर चढ़ूं कैसे मैं? एक इसके ऊपर मैं चढ़ साऊं यार, इसके ऊपर चढ़ना है मेरे को भाई। बाकी मैं यहाँ पे कैसे आ गया? मैं गाइस दूसरी कॉलोनी में आ चुका हूँ, ठीक है। गेम वालों ने डेवलपमेंट कर दी है, पहले शायद अटक जाते थे अपन, दूसरी कॉलोनी में नहीं जा पाते थे। नाइस नाइस एरिया भाई, नाइस। पागल है थोड़ा सा, रोक देता अभी तो मेरे को भाई। बाकी इधर की साइड अपना शायद, हाँ वो रहा अपना सुपर मार्केट। यहाँ तक आवाज आ रही, कैसा उठ की देख रहे हो तुम? बाकी 450 रुपए हो गए। भागो भागो, मेरे को सामान खरीदना है थोड़ा सा। हेलो सर, कैसी रही आपकी शॉपिंग? रुक ऐसी भी रही हो, मेरे को थोड़ा सामान खरीदना, पहले सामान खरीद फिर बात करेंगे। हाँ भाई चलो सामान खरीद दिया, मैं वापस जा रहा हूँ घूमने, तुम देखते रहना। चेकआउट सर फुल। अरे बाबू ऐसे कैसे चेकआउट, आ जाए इधर आ जाए। ये बात चेकआउट बैकआउट फुल नहीं है अपने यहाँ, चल भग जाए ऐसे। अरे 30 रुपए लेके जाएगा क्या? चल तू भी क्या याद रखेगा, तेरे को पूरे 33 रुपीज दिए। फटाफट फटाफट, अरे एक से रह जाता। 28.18 रुपीज काटेंगे हम आप। चलो आगे बताइए मैडम। हेलो कैसी हैं आप? सब बढ़िया है, जीवन वीवन बढ़िया चल रहा है? देखो बताओ, अगर नहीं चल रहा हो तो बता देना, थोड़ा मैं संभाल लूंगा। ओके लेट्स गो, अभी नया साइज नया सामान आया भाई, देख रहे हो कैसे कैसे बिक रहा है। 38.63 रुपीज। हेलो मैम आपने दिया है पूरा कैश, सही है। चलो अगला आ जाओ, अगला अरे आ जा भाई इधर, ऐसा आता दिखता है मजा सा आ जाता है। चलो भाई अभी आइटम मंगाएंगे थोड़ा बहुत। और बैंक का लोन कितना बचा? अरे यार इस बैंक वाले को फ्री करूं 150। अरे इस एक तो इस फ्रिज का क्या करूं, इस फ्रिज का मेरे को भाई कब कमेंट्स करो इस फ्रिज को बेचो, नहीं इस फ्रिज को जो है डस्टबिन में डाल दो, ऐसे डालूंगा। अगर तुमने इसमें 10 कमेंट करे इस फ्रिज को डस्टबिन में डाल दो, मैं डस्टबिन में डाल दूंगा भले डले नहीं। तुम कमेंट तो करके देखो, दिल बाग बाग हो जाएगा। इसको यहाँ रख देते हैं वापस, अभी के लिए नौटंकी नहीं देते हैं। बाकी रात होने वाली, लाइट ऑन कर दी है मैंने, एक तो इतनी जल्दी जल्दी रात हो जाती है इसके अंदर। देख भाई कहाँ है सूरज यहाँ? ओ देखो गाइस ये देखो, ये देखो न्यू अपडेट, ये देखो ये देखो ये अभी तुमने देखा, ये यही कह रहा हूँ। अरे भाई लो सूरज डूब गया, छोड़ो इधर से आएगा शायद, इधर से आएगा। ये गाइस देखो नया अपडेट गाइस देखो, टूट जाए राजा जी पलंग सही। अभी के लिए गाइस मैं वापस से यहाँ पे आ गया हूँ। कितना चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? 600 रुपए हो गए, क्या बात है छोटू। ले गाइस आज का मैंने लोन पूरा पे ऑफ कर दिया है, बाकी अब अपन दोबारा लोन ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लेना है क्योंकि कल के दिन मैं इतना लोन वापस नहीं चुकाना चाहता। और इसको अपन अब दिन का भी कर सकते हैं, शायद पहले दिन का ऑप्शन नहीं था, 25 दिन तक चुका सकते हैं या फिर अपन इसको 5 दिन में चुका सकते हैं। डेली पेमेंट कम हो जाएगा और इसमें डेली पेमेंट, अच्छा इसमें डेली पेमेंट बढ़ जाएगा, इसमें डेली पेमेंट कम हो जाएगा। और इसमें टोटल अपने को रिटर्न पेमेंट देना पड़ेगा 937 का, और इसके अंदर 787 का ही देना पड़ेगा भाई। ये सही है, नॉट बैड नॉट बैड, लेकिन रोज के 100 रुपए काट लेगा भाई। लेकिन छोड़ो अभी मेरे को नहीं लेना है, अभी मैं पुराने बिल्स पे कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी लेकिन इनको पे करने के लिए पैसे ही नहीं है, और 114 रुपीज के पेमेंट्स मांग रहा है, इसका तो नहीं है कहीं है। छोड़ो भाई देखी जाएगी, अभी तो पैसा कमा तू। अरे भाई इस पे कहां से लाइन लगा रखी है, तुम पागल हो तुम? थोड़े से बताया तो करो कि इसमें तुम आए हो। ये मैं सोचूं यार वो बिलिंग कर नहीं रहा है, और पता नहीं ये बंदे इतने सारे खड़े। हेलो सर 2 रुपए लो, तुम 2 रुपए लेने हैं ना, 2 रुपए अभी ठीक है चलो जाओ। हेलो मैम आप बताइए आप कैसे हैं, आपके सब घर पे बढ़िया एकदम घर बार वाले? 5 रुपए चाहिए मैडम को, ये लो 1 2 3 4 5 और ये लो 10 पैसे। क्या बताइए मैम कैसी हैं आप यहाँ पे सब बढ़िया? मैं पूछ लेता हूँ सर से, नहीं 58.55। चलो आगे बताओ सर। अरे एक अंडे की ट्रे लेने आया ये आदमी, वो भी कार दे रहा है, देख रहे हो तुम? नवाबी शौक है भाई, ये देखना ये देख, ये असली घर के राशन लेने वाले लोग हैं। चलो हटो अभी के लिए अपन आज का दिन फिनिश करें। नहीं नहीं अभी दो और भाई, जितना पैसा ले सके उतना पैसा तो ले कम से कम। बाकी कल के दिन मुझे लगता है सारी चीजें वापस खरीदनी पड़ेगी। और ये 2 डब्बे काई के रखे हैं, बावले हो क्या तुम? एक सेकंड को यहाँ पे सारी भर। ये जब मैं मार, अरे तू साइकिल लेके आता है जल्दी भग जाता, देखे कोई बात नहीं गाइस। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। 82 रुपीज देने, मैं सोचा 82 का आइटम लिया है, तू चाटा ही खाएगा भाई। 82 एंड 45, नहीं पहले चल ठीक है लेके जा। लो भाई आज के दिन अपन ऑफिस क्लोज करते हैं, एंड आज के दिन प्रॉफिट 605 का हुआ है ये। बाकी अभी अपने पास 300 रुपए है, और आज टी ब्लैक की प्राइस बढ़ गई है। वाओ ये रहा टी ब्लैक अपना, 5.19 रुपीज का हो गया टी ब्लैक, देख रहे हो। चलो भाई सही है, आज के दिन अपने पास और मस्त मस्त चीजें हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि कुछ नए आइटम्स मंगाने वाला हूँ, इसमें मेरे को प्रॉफिट बहुत होता है, इसलिए यही आइटम मंगाऊंगा। रुक जाओ ऑफिस तो खोला ही नहीं है मैंने, चल भाई ऑफिस खोल दिया है और ये आइटम मंगा देता हूँ। अरे नहीं मंगा, रुक जाओ भाई रुक, ठीक है थोड़ा बहुत लोन पे चलना भी ठीक है, लेकिन लोन पे चल लेंगे तभी तो पैसा आएगा अपने पास जीवन।
इन्वेस्टमेंट बैंक में चलो इसका लोन एकदम कम कर देते हैं जिससे कि ज्यादा नहीं चुकाना पड़े और टेक कर और लोन लेते हैं एंड लेट्स गो इसको उठाओ चलते मार्केट में इसको करते अपन परचेज। चल भाई मैं जमवा देता हूँ इन आइटमों को। इसको कहाँ रखवाना है ये यहाँ रखा जाएगा इसको रखवाते हैं यहाँ पे एंड इसको फेंको इसको रखवाते हैं अपन कोलिन को यहाँ पे कोलिन की जगह कहाँ है साले क्या कर रहा है कोलिन यहाँ पे रखते थे ना पहले तो फिर कोलिन की जगह गायब कर दिए। अच्छा कोलिन यही तो रखते हैं दिक्कत वाली बात नहीं गाइस दिक्कत वाली बात नहीं है। डिश वॉशर है जो कि अपन रखते हैं यहाँ पे। ओ डिश वॉशर रखा हुआ अभी पहले का तो इसको ये दो जगह पे आता है डिश वॉशर यहाँ पे क्या रखा हुआ है यहाँ पे भी साइड डिश वॉशर ही है मैं डिश वॉशर ही रखने वाला हूँ एंड क्या पता भाई 20 रुपए का बिकता है डिश वॉशर देख रहे हो तुमको लेना हो तो मेरी दुकान से ले लेना ऑफ में कर दूंगा जितने का पड़ा है उतने का दे दूंगा मैं तुमको। यहाँ पे ये रखा जाएगा एंड मैंने भी कुछ आइटम जमवा दिए। ये क्या है भाई अरे सॉल्ट अरे भाई पहले ही बहुत पड़ा है इतना सॉल्ट मत दो लोगों को आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी लोगों में। ये क्या है कोक तो भाई ने फुल भर रखी है ऐसे कैसे भाई को अलग शौक है थोड़ा वोड़ा पीने को मैं जो है कस्टमर देख लूं थोड़े बहुत। लो मैडम ओहो भाई आइटम देख रहे हो कितने का लिया है 40 रुपए का लिया था तो 4 रुपए का लिया था क्या। चलो मैडम को 3 रुपए लौटाने हैं और प्लस 80 चलो आप जा सकते हैं। मेरे पास 715 रुपए वापस हो गए देख रहे हो या फिर मैंने आइटम ही नहीं मंगाया इतना तो चलो ठीक है मुझे नहीं पता मैं जो है सारा आइटम मंगाने वाला हूँ वापस से। देखो मैंने कितने आइटम मंगाए थे पहले 1 2 3 4 5 6 आइटम मैं मंगा चुका हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक से मंगाना है मुझे वापस 9 आइटम मैंने मंगा दिए लेट्स गो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड लेट्स गो ये भी परचेज कर दिया है 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 गाइस 27 ये आइटम हो गए और 6 ये 33 33 गाइस 33 हिंदी में भी आता है। चलो अभी 1 2 और 3 हां गाइस अपन ने 6 आइटम और खोले थे ना गाइस प्रॉपर 36 आइटम है अपनी शॉप पे और ये देखो भंडारा लगवा दूंगा भंडारा भाई ऐसे छोड़ जाते हैं इन चीजों को बाहर है। अरे अरे ये क्या मंगवा रहा है मैंने इसको यहाँ भाई ये बहुत महंगा बिकता है ये स्टार्टिंग से बहुत महंगा बिकता है सही चीज है। बाकी ये सब चीजों को मैं थोड़ा सा बस इधर इधर रख देता हूँ ठीक है क्योंकि थोड़ा रोड पे होता है जो इधर उधर फेंक जाएगा आइटम जब गाड़ी आती है। अरे नहीं साले आइटम पे गाड़ी चढ़ा दी मेरे ऐस कर दूंगा। चल भाई अभी के लिए क्या चल रहा है अरे मेरे अरे भाई जब आगे लग सके हो तुम तो आगे लग जाओ ना खाली पड़ी आगे वाली 16.2 ओहो क्या बात है ऐसे ही खरीदारी करो मजे मजे 40.60 आप बताइए सर कॉफी लिए सर ने 10.38 चलो अरे बंद करो इसको चलो भाई आगे चलो जिद्दी आदमी है ला दे सामान दे ऐसे मेरे से ज्यादा जिद्दी है बात दुखी क्यों हो रहा है आगे चल जा। अरे भैया हेलो हेलो चाचा ओ चाचा को नहीं मानना है हमारे को क्या दिक्कत हमारे यहाँ तो आइटम बहुत आ रखे हैं ये बात ले भाई तू बस जमा दे फटाफट जमा दे और टॉयलेट पेपर खत्म हो गए एक से ऐसे कैसे टॉयलेट पेपर मंगाओ भाई प्रॉफिट बहुत आता है ये मंगा दिया मैंने टॉयलेट पेपर यहाँ पे आया ये है क्या ओ लेट्स गो इसको रखवा के आते हैं फटाफट ये लो भाई डुडुंग भाई ये वाली जो है ना ये वाली ट्रे खूब पैसा देगी देखना तो 6 रुपए का बिक रहा है कोई 2 रुपए का बिक रहा है कोई 20 रुपए का बिक रहा है सम है भी भाई ये बेचो भाई ये 20 रुपए का डिस्क्लेमर बहुत है मेरे चीज नहीं है तेरे पास है चीज पड़ी तो है कोई और सी मंगा रहा थी मंगा ले भाई अभी जो है वो आइटम बाहर रखा हुआ है थोड़ा बहुत है यहाँ से उठा लो यहाँ से उठा के बिलिंग करा के जाना लेकिन यूं नहीं बेटा घर भग जाओ तुम लोग बाकी लोग सूट वूट में क्या चाहिए अभी कौन सी चीज है भैया बताइए मेरे को कौन सी चीज है चला इस चीज के लिए अलग रो रहे हैं लोग चीज कौन सी है भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रही और इसको मैंने कार्ट में ऐड करने का क्या मतलब यार रखी तो है ये चीज नहीं दिख रही तुमको है। अच्छा ये आदमी जमा के बाद में गया होगा भाई ये आदमी तो पागल है आदमी भी तो पागल है भाई मेरा रिस्टॉकर वाला हटा परचेज नहीं करनी अरे माइंड वालो सही अरे तू यहीं खड़ा रहेगा मानेगा नहीं करूं तेरी गुद्दी लाल भाई अरे इतना आइटम है कौन फेंक भाई अभी मैं यहाँ से हटा के गया था वापिस सड़क पे ला दिया सामान को ना माने क्या है भाई ना माने तो सड़क पे कैसे जा रहा आइटम सुनेगा नहीं मेरी बात कोई बात नहीं गाइस आज के दिन जो है एक सेकंड इसको खोलते हैं अपन यहाँ लगते हैं चेकआउट में। ओहो भाई साहब कितने लंबे हैं मैडम से देख रहे हो 2-3 कस्टमर और आ रहे हैं भाई उनको अपन फ्री करते हैं क्योंकि आज के दिन बहुत लेट हो गया है भाई कहाँ है लोग बाग आ ही नहीं रहे क्या खरीद रहे हो ऐसा अरे झुक झुक के खरीद रहे आइटम ले लो ब्रो आइटम ले लो। ओहो क्या बात है चॉकलेट किसके लिए ले जाई जा रही है मैं इनसे इतना लंबा हूँ ये ज्यादा भेदभाव नहीं कर रखा कुछ ज्यादा इनके तो बराबर से आ रहा हूँ अरे टिंगू और टिंगू आ गया ये आ गया अभी इसको बंद नहीं कर रखा मैंने खोल फोन बंद कर साले तूने लगाई नहीं ये आदमी गाइस नजर लगा रहा पता नहीं यहाँ पे कौन लगा के क्या मैं ओ 800 रुपए गाइस आज के दिन एक काम करते हैं बैंक का लोन वापस चुका देते हैं और अगले दिन वापस ले लेंगे देख रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी चुका के ज्यादा पैसा भी नहीं ले रहा हूँ कल के दिन मुझे वापस जरूरत पड़ेगी मैं वापस चुका दूंगा। बाकी भाई हेलो बड़ी कैसा है अच्छा बड़ी नहीं है अरे बड़ी के अंदर मैडम है काली शक्ल चलो मैडम आप जा सकते लेट्स गो इसको बंद करते हैं अपन ये भेज देगा इन सब लोगों को ठीक है। बाकी भाई यार मेरा एक सपना है मेरा छोटा सा सपना है भाई आज के दिन मैं अपना ग्रोथ कर लूं और सेक्शन 3 खोल दूं और 750 कल के दिन खोलेंगे लेकिन शुभ दिन अरे लोग बाग बहुत है अरे यार तुम जल्दी जल्दी फ्री करो ना कि आज के दिन ही खरीद दूं क्या कहते हो भाई मैं चलता हूं बैंक में इनसे लेता हूं लोन सबसे कम दिनों का और चलते हैं अभी के टाइम पे मैनेजमेंट में ग्रोथ में एंड गाइस
3, 2, 1 टूट जाए राजा जी पलंग। अरे अंदर जाने दो। अरे अब इसको उठाओ। अरे ये भी तो कर सकता हूँ, अंदर जाने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट अपना बेस बड़ा हो गया गाइस, अपना बेस बड़ा हो गया देख रहे हो। अबे लेकिन इसको मैं लगा ही नहीं सकता, ये क्या बात है। लेकिन ये भी ठीक है, कोई बात। लेकिन वहाँ क्या लगा? अरे भाई अरे कोई बात नहीं गाइस, अभी के लिए इतना ठीक है। मैं अपने दो चार चीजें तो ये सही है। अगर मैं इसको यूं लगा रहा हूँ तो दिक्कत वाली बात थोड़ी है। दूसरा यहाँ लगा दूंगा, तीसरा यहाँ लगा दूंगा, लोग ऐसे जा के ले लेंगे। है भाई अच्छा इधर जा पा रहा हूँ ना, बस यही तो चाहिए था, इधर जाना चाहिए। और कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना मैं इसको आगे भी लगा देता हूँ। अब ठीक, अब लोग भागना आराम से जा पाएंगे। बाकी आज का दिन खत्म हो गया। अरे अरे सर तुम जा। आज के दिन देख रहे हो कितनी सारी चीजों का बिल वगैरह दिया, फिर भी अपना प्रॉफिट नहीं आता। ओह मिल्क सीरियल्स और सॉल्ट, तीन चीजों का पैसा बढ़ गया। रुक जाओ भाई, पैसा बढ़ाओ सबसे पहले तो। और नहीं, इन सबसे चीज पहले अपनी शॉप ओपन करो। और अब इसको करते हैं अपन 2.61। इसके बाद मिल्क का प्राइस बढ़ा था। मिल्क कहाँ है मिल्क? अरे मिल्क कहाँ है, ये 3.30। लेट्स गो। चलो भाई और किस चीज का प्राइस बढ़ाइए देखने दो मेरे। मार्केट में चलो, मिल्क का बढ़ा है, बढ़ा दिया मैंने, और सॉल्ट का बढ़ा दिया। एक और चीज का प्राइस बढ़ा है, सीरियल्स। ये खरीद मत लेना, तुम्हारी कुद्दी बजा दूंगा। 6.60। लेट्स गो भाई, आज के दिन -48। अबे पैसा घाटे में चल रहा हूँ, घाटे कोई बात है। इसको उठाओ, मैं भी बिलिंग करूंगा आज के दिन, क्योंकि मुझे एक सेकंड, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को एक चीज देखनी थी। मैनेजमेंट में जाओ, ग्रोथ में जाओ। अब अगला अपन सेक्शन 4 1300 में खरीद पाएंगे। भाई ऐसे तो मत करो यार, ये तो गलत बात, चीटिंग कर ली। इसको उठाओ और इसको रखते हैं अपन इधर की साइड, मुझे थोड़ी बहुत टेस्टिंग करनी है। इसको रखते हैं यहाँ पे एंड लेट्स गो। अब ये लोग जा पाएंगे कि नहीं मुझे ये देखना, इधर की साइड तो आने की जरूरत है नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसको बिल्कुल टच करके भी रख दूँ ना तो दिक्कत नहीं है। अभी ठीक, अभी लोग बाग यहाँ से आइटम लेंगे, यहाँ से आइटम लेंगे और यहाँ से भी आइटम लेंगे। अब मुझे देखना है वहाँ अच्छा वहाँ जा रहे थे ना, अभी देखा था मैंने, वहाँ आइटम जा रहे थे। जा रहा है ना भाई तू? जे भाई मैं अकल भाई की अकल को सलाम। चलो भाई, ओहो इतना सारा आइटम कहाँ लेके जा रहे हो, किसकी शादी है? 39.17 रुपए का, ओ माय गॉड, ये ज्यादा रुपए का आइटम ले गए तुम लोग, शर्म थोड़ी आई हो। 1, 2, 3, 4 और 10 और 5। चल ठीक है, चलो सर। ओहो हो, पानी की बोतलें ही बोतलें हैं भाई। 1, 2 और 5 और 25 और 10। लेट्स गो भाई, अब बिक रहा है ना सामान मेरी शॉप। ऐसे लेके जाया करो 59 का एक ही बार में, एक बार में 100 रुपए दो जब आएगा मजा, ऐसे नहीं आ रहा मजा। ये बात सर, आपका बिल हुआ 47 रुपीज। लेट्स गो, देख रहे हो भाई, दो जनों से 100 रुपए बना ले रहा हूँ, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब पैसा आ रहा है। बाकी अभी मेरे को मार्केट से जो है वापस से नीचे वाले आइटम मंगाने हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होने चाहिए, यही है असली पैसों की बात। चलो भाई लेट्स गो परचेज। अरे नहीं 30 रुपए कम पड़ रहे हैं, अब हो गया होगा। एंड लेट्स गो भाई, खरीद दिए वो चीजें। हाँ भाई सर जी, आप बताइए आपके रुपए हुए 14.30 रुपीज। हेलो सर, आपके 10 रुपए। अरे चुंगम किसके लिए लेके जा रहे हो? चुंगम खरीदिए इसकी बात। ओ ये मैडम का बिल हैवी बनने वाला, 47 रुपीज। ये बात 0.26। हेलो भाई, हेलो सर, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम मस्त, बढ़िया। आपका बिल हो गया, चलो इसको करो बंद। अभी मेरे को देख के आना, ये जो आइटम आ रखा है ना इनको जमाना, ये आदमी जमाता नहीं, इसको जमाओ ठीक है पूरे आइटम को, और इसको रखो यहाँ पे। ये आइटम जो है जमाया जाएगा यहाँ पे। लेट्स गो, इस आइटम को यहाँ पे, इसको तो फेंक दो ना, हटा। ओके डिस्क क्लीनर है मेरे पास, डिस्क क्लीनर नहीं है, क्लीन डिस्क है। क्लीन डिस्क को रखो यहाँ और इसको रख दो यहाँ। लेट्स गो, कोक आ रखी है, कोक वोक नहीं जम पा रहा यार मैं, कोक पहली बहुत रखी है। चलो लेट्स गो भाई, आज की बिलिंग देख रहे हो तुम क्या तगड़ी तरीके से हो रही है। ये और मंगवा रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई ये खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी। रुक जाओ एक सेकंड, ये मंगवाने की जगह मैं टॉयलेट क्लीनर मंगवा दूं, वो भी बहुत ठीक है। मैं पूरा ही मंगवा रहा हूँ ये आइटम, 11 रुपए की कमी है। और यहाँ पे क्या नहीं रख रखा इसने, टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर नहीं आया क्या, क्या चक्कर है भाई? व्हाट इज दिस शीट, मैंने यहाँ से अभी 6 के 6 आइटम मंगाए थे। रुक जाओ ये सारे माइनस करो ठीक है। टॉयलेट क्लीनर के 2 पैकेट मंगवा रहा हूँ मैं। अब अच्छा आपकी आ गए भाई, लेकिन पहले क्यों नहीं आए थे, मुझे तो ये समझ नहीं आया। या बिग गए हैंड टू हैंड आते ही, चक्कर क्या हुआ? कहाँ दूसरा, कहाँ टॉयलेट क्लीनर? तेरी गुद्दी लाल करूं? इधर देख, रैक्स आर फुल इन द स्टोरेज। हैं जी हैं जी, ये क्या है? ये बिल लग रखे हैं इसलिए साले, तू रखेगा ही नहीं। बिल लग रखे हैं, तू रखेगा ही नहीं इसलिए, रख अंदर, करूं तेरी गुद्दी लाल साले, कबूतर सी शक्ल के। यहाँ 2 में पास्ता डाला हुआ है, एक में डालो ये, समझ रहे? और किस में 2 चीज लगी हुई है? यहाँ किसी में 2 नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे भी किसी में 2 नहीं लगी हुई, यहाँ पे कोई खाली, ये खाली, यहाँ पे रखो। चलो भाई जमाओ सालो, कौन सी रैक खाली हो गई? ये ब्रेड खत्म हो गया ना, हटाओ हटाओ ये पोस्टर सालो, हमारी एसएस करो, बोलता है रैक भरी हुई है, यहाँ आइटम 00 रखे हुए हैं, बुद्धि लाल कर दूंगा साढ़े तेरी। चलो भाई अभी ठीक है, आज भी रात हो गई भाई, और प्रॉफिट वही 400-600 रुपए का हो पाएगा अभी रात भर मिला हम लोग के। और इधर लाइट भी तो लगानी है, ओ शिट गाइस दिस इज वेरी वेरी शिट। फर्नीचर में जाते हैं, 2 स्पॉटलाइट मंगवाते हैं। कितनी लग रही है? एक कॉलम में, एक कॉलम में मेरे जहां तक लग रही है ठीक है। अपन इस कॉलम में 2 लगवा देते हैं, लाइन से काम बन जाएगा ठीक है। परचेज करो, 2 लाइटें आ गई होंगी, ये भी ये लगा देता है क्या? रुक जा देख लेना। ओए छोटू छोटू काम कर, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम लेके गया कि नहीं लेके गया यार? छोटू बदमाश बनेगा? नहीं यार छोटू काम नहीं कर रहा, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी का काम आता नहीं, भाई को सिखाना पड़ेगा। रुक जाओ कोई बात, अभी जो है मेरे को खड़ा होना चाहिए इधर ठीक है, इधर लगवाते हैं और बिल्कुल इसकी सीध में। लेट्स, ओ ये दिखा रहा है, पहले ही दिखा रहा है, नाइस सेटअप बढ़िया कर दिया इन लोगों। इसको लगवाते हैं यहाँ, और एक और लाइट है अपने पास, ये इसको लगवाते हैं थोड़ा सा अंदर। अबे ये तो एक लाइट में भर गया है, तुम भी गजब आदमी। चलो एक एक्स्ट्रा लाइट
बेड है, इसको कहाँ लगवाऊँ फिर मैं? लो बाब लो, बताओ कोई बात है? ये लगवाने ही नहीं आ रहे। फ्लोर में लगा लो, फ्लोर में। भाई मना कर रहे हैं लाइट लगाने से, बताओ कोई बात है? अब इस बॉक्स को वापस पैक करना पड़ेगा और इस लाइट को रखा हो भाई, यहाँ लग जाएगी। अरे जे बात, यहाँ पे भी तो होनी चाहिए। अबे लेकिन यहाँ की लाइट क्यों नहीं जल रही? कोई बात है? छोड़ो, मत जलने दो लाइट। इस लाइट को बंद करके चालू करते हैं, शायद बगल वाली लाइट भी जल जाएगी। भाई स्टोरेज रूम में भी तो लाइट, बताओ कर लो बात। कोई बात है? लाइट ही नहीं जला रहे हैं। बाकी गाइस आज के दिन 600 से ज्यादा का हो गया है, क्या बात है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बाकी बैंक में मैं अर्ली पे ऑफ कर देता हूँ, लेट्स गो। भाई मेरे को नहीं लग रहा यहाँ पे ज्यादा लोन लग रहा है। देखो अगर मैं एक दिन लोन लेता हूँ ठीक है, तो ये बोलते मेरे को 787 देने का 750 में से, बट मैं उसी दिन पे ऑफ कर देता हूँ। मैंने सुबह लिया था शायद लोन, और आज नहीं ये वाला लोन कल लिया था, क्योंकि मैंने रात में वो खोला था, और दिन में भी खोलता तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसी दिन लोन लो और उसी की शाम को चुका दो, सही है भाई, दिक्कत वाली बात नहीं। अभी 616 रुपए लिए इनने। जैसे अगर मैं लोन लेता हूँ और हैंड टू हैंड पे करता हूँ, तो अर्ली पे ऑफ में भी 60। ओ भाई 15 रुपए जा रहे हैं, फिर भी 15 रुपए जा रहे हैं, ठीक है। फिर मैं पे ऑफ क्यों ही करूं, जब पैसे जा ही रहे हैं तो मार्केट में चलते हैं और कुछ चीजें खरीद लेते हैं मस्त मस्त। जैसे कि मैनेजमेंट में चलो, लाइसेंस में चलो, और एक नया लाइसेंस ओपन हो सकता है यहाँ पे। बाकी ग्रोथ नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते, स्टोरेज में कुछ कर सकते हैं, 1200 रुपए का है, बट ठीक है, इससे अच्छा है लाइसेंस खरीदते हैं। 3, 2, 1, 6 आइटम और आ चुके हैं भाई, लेट्स गो। मेरे को देखने दो प्रोडक्ट्स के अंदर जाके। एंड एक आइटम फ्रिज का है, नहीं 2 आइटम फ्रिज के, नहीं 3 आइटम फ्रिज के, और एग्स में छोटा वाला पैक भी आ गया है, और 3 आइटम फ्रिज के नहीं है, 4 आइटम फ्रिज के भाई, लेट्स गो। इन आइटमों को भी रखवा लेता हूं मैं कार्ट में। इसकी है टोटल प्राइस 295, जो कि आज ही हो जाएगी, आज हो जाएगी भाई। तुम तीनों जो है ना, अच्छा खासा आइटम ले जाना, मैं मार दूंगा भाई। अब की बार मेरे को बहुत आइटम मंगवाने पड़ेंगे। बाकी क्या ही होगा यार इससे बिल से, 247 रुपीज हो रहे हैं और मेरे को 295 रुपीज चाहिए, देखते हैं इसकी बिलिंग कितनी जाती है। बाकी अभी तक इसकी 33, थोड़ा सा और भाई, नहीं यार दो में क्या ही होगा, 45, 52, 300 रुपए हो गए हैं। इसको मंगवा, अरे भाई मंगवा भी तो नहीं से आज के दिन। चलो भाई आज का दिन खत्म करते हैं। बाकी ब्रो क्या चल रहा है तेरा? तू आइटम ही जमाता रहे, तेरे काम ही नहीं भाई। साइकिल जब से लाया जब से यही रखी भाई। एंड डन गाइस, आज का प्रॉफिट 213 रुपए का है, और कई चीजों की प्राइस बढ़ गई है, कई चीजों की घट गई है, और मेरा इतना सारा लोन चला गया, मैं बर्बाद हो गया गाइस। लेकिन ठीक है, आज के दिन अपने पास बहुत सारा आइटम है, इन्हें बिकने देते हैं जब तक मैं थोड़ी बहुत प्राइस वगैरह सेट कर देता हूँ। टी ब्लैक की बढ़ गई है, तो टी ब्लैक की बढ़ा दो 6.05। सोडा की घट गई है प्राइस, सोडा की घटा दो। सही तो है, कौन से सोडा की प्राइस घटी है? इसकी घटी है 1.85। केक की बढ़ी है, योगर्ट की घटी है, केक कहाँ है, केक गिरा। केक की बढ़ के 4.24 हो गई है, या फिर इस वाले केक की बढ़ी है, फिर इसके कौन से केक बढ़ी है? अच्छा इस वाले केक की बढ़ी थी, ठीक है इस वाले केक की तो पहले ही लगा रखी। और योगर्ट की घट गई है, तो इस योगर्ट की करते हैं 1.55 रुपीज। इसके बाद सबकी प्राइस ठीक है। चलो भाई इसको सामान जमवाने देते हैं, और भाई रुक जा, ये एक आइटम चले जाते यार। नहीं अरे भाई पता नहीं, एक एक आइटम छोड़ जाते हैं लोग बाग, ये खाली करे तो मैं यहाँ से रिमूव करूं भाई लेबल। चलो भाई, अरे ऑफिस भी तो क्लोज है। ताकि गाइस अभी मैंने ओपन कर दिया है, इन सब आइटमों को बिकने देते हैं और देखते हैं अपना कितना प्रॉफिट होता है। जब तक के लिए आज अपन ने कई सारे नए प्रोडक्ट्स खोल दिए, करीबन 12 नए प्रोडक्ट खोले और अपने स्टोर को भी ग्रो कराए। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।